नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका अपने डेली राशिफल में, जिसमें आज हम बात करेंगे भैया 2 जून की, कि 2 जून को कैसा रहेगा आप सभी का राशिफल। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, बेल आइकन को ज़रूर दबाना, और वीडियो को लाइक तो कम से कम आप लोग करके जा ही सकते हो यार, प्लीज़ किसी तरीके की कंजूसी मत करना। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं फतरे डेले के, कि मेष राशि वालों का कैसा रहने वाला है कल का दिन, जो कि है 2 जून का दिन। कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं, बट ओवर कॉन्फिडेंट होने से चीज़ें बिगड़ सकती हैं, तो थोड़ा सा सावधानी आपको बरतनी होगी। कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात होती है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट होने से आपको प्रॉब्लम हो सकती है। और कहीं ना कहीं माता जी की तरफ से कुछ अच्छे समाचार मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ स्वास्थ्य में उनकी काफ़ी अच्छी रिकवरी उनकी होती हुई दिखाई दे रही है। तो कुल मिलाकर दिन तो बहुत बढ़िया है, बस आपको ओवर कॉन्फिडेंट होने से बचना होगा। वृषभ राशि की बात कर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं जो लग्जरी थिंग्स हैं उनके तरफ आप आकर्षित होते हुए दिखाई देंगे। इसमें माता का साथ भी आपको मिलेगा, और उनका जो विशेष सहयोग है वो भी कहीं ना कहीं आपको मिलता हुआ कल दिखाई देगा। हालांकि भाई जो हैं कल कुछ आर्गुमेंट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, वहीं आय में भी वृद्धि होती हुई आपकी कल दिखाई दे रही है। तो कुल मिलाकर दिन आपके लिए काफ़ी बढ़िया है। बात कर लेते हैं मिथुन राशि की, तो बोलचाल में थोड़े से उग्र होते हुए कल दिखाई दे रहे हैं। नौकरी में भी स्थान परिवर्तन के कुछ लोग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं जो अगर आप शैक्षिक काम करते हैं या टीचर हैं या कहीं पर रिसर्च करते हैं, तो उनके लिए दिन काफ़ी बढ़िया होता हुआ दिखाई दे रहा है। उन्हें ऐच्छिक सफलता मिलती हुई कल दिखाई मुझे कल दे रही है। तो कुल मिलाकर दिन आपके लिए ठीक है। कर्क राशि की बात कर लेते हैं, तो कुछ स्ट्रेस कल दिखाई दे रहा है, मन थोड़ा सा अशांत रह सकता है। हालांकि खाने पीने के मामले में दिन काफ़ी बढ़िया रहेगा, कुछ पसंदीदा खाना आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, वो भी शाम को। तो दिन की जो स्ट्रेस होगी वो खाना कहीं ना कहीं आपकी कल पूरी कर देगा, लेकिन फिर भी किसी बात को लेके कल आपका मन, बिना वजह की बात को लेके कल आपका मन थोड़ा सा खराब होता हुआ दिखाई दे रहा है। सिंह राशि की बात कर लेते हैं, तो खर्चे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। नौकरी और कार्य क्षेत्र में आपकी वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। आय में सुधार होगा। शैक्षिक कार्यों से आपका विदेश यात्रा के योग भी कल बनते हुए दिखाई देंगे। कई हो सकता है कल आप कहीं जाकर कहीं आपकी बात बन जाए, जिससे आने वाले दिनों में आपकी रूपरेखा जो है विदेश की वो आपकी बनती हुई दिखाई दे। कन्या राशि की बात कर लेते हैं, तो कुछ पारिवारिक समस्याएं आपको कल परेशान कर सकती हैं। कुछ रुकावटें आपको देखने को मिलेंगी, जो आपने प्लान किया है उसमें कल कुछ रुकावटें आती हुई दिखाई देंगी। परिश्रम करेंगे तभी आपको काम वहां पर अच्छा मिलता हुआ दिखाई देगा। रहन सहन में भी थोड़े से आपको असहजता का भाव आपका आता हुआ दिखाई कल आपको देगा। कुल मिलाकर दिन थोड़ा सा मीडियम है। तुला राशि की बात कर लेते हैं, तो कुछ कठिनाइयों का सामना कल करना पड़ सकता है। अफसरों से मतभेद आपके बढ़ सकते हैं। मित्रों का सहयोग हालांकि बनता हुआ दिखाई देगा। संचित कमी धन में थोड़ी सी कमी कल आती हुई दिखाई आपको देगी। तो कुल मिलाकर दिन थोड़ा सा आपके लिए कहूंगा कि मीडियम है। वृश्चिक राशि की बात कर सकते हैं, तो थोड़ा सा चिड़चिड़े कल दिखाई दे रहे हैं, लेकिन फिर भी वो चिड़चिड़ापन आपकी बातों से नहीं झलकेगा। परिवार के साथ किसी छोटी मोटी यात्रा पर कल जाते हुए दिखाई देंगे, जिससे मन थोड़ा सा आपका अच्छा होगा, लेकिन चिड़चिड़ापन फिर भी थोड़ा सा रहेगा। जो आप चाह रहे थे खरीदना, शायद हो सकता है कल आपके पापा या मम्मी आपको ना दिलवाएं, इससे कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर कुड़ते रहेंगे आप। तो उस चीज़ को थोड़ा सा रिमूव करने की ज़रूरत रहेगी। इंजॉय कीजिएगा यार, दिन अच्छा है आपके लिए। धनु राशि की बात कर लेते हैं, कुछ फोकस आपका अच्छा होता हुआ दिखाई देगा। पढ़ाई में रुचि लेके पढ़ाई करेंगे, और कहीं ना कहीं दिन जो रहेगा काफ़ी बढ़िया रहेगा। जो बौद्धिक कार्य होते हैं, चाहे वो किसी चीज़ के भी हों, उसमें आपको सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। जीवन साथी के साथ काफ़ी अच्छे लम्हे आप बिता पाएंगे, और बस थोड़ा सा उनका एनवायरमेंटल डिजीज उनको कल परेशान कर सकती है आपके जीवन साथी को, तो उसको लेकर थोड़ी सी चिंता आपकी हो सकती है, लेकिन कुल मिलाकर दिन जो है काफ़ी अच्छा है। मकर राशि की बात कर लेते हैं, स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। किराए का घर नया ले सकते हैं। पिता का स्वास्थ्य को चिंता का विषय बन सकता है। हालांकि मित्रों का सहयोग मिलेगा, लेकिन अनप्लान्ड एक्सपेंडिचर जो होंगे, खर्चे जो होंगे, वो कल आपका मन थोड़ा सा खराब कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर जो दिन है वो थोड़ा सा दिक्कत वाला आपके लिए हो सकता है। अब हम बात कर लेते हैं कुंभ राशि की। कहीं ना कहीं वाहन आपके लिए भी अच्छा रहेगा, वाहन में शुद्धि होगी, और नौकरी में भी आपको तरक्की के अवसर मिलते हुए दिखाई देंगे। आय में वृद्धि होगी।
कार्य क्षेत्र में विस्तार होता हुआ दिखाई देगा, कुछ नया रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती हुई दिखाई देगी कुंभ राशि वालों को। तो कुल मिलाकर दिन बढ़िया है, एंजॉय कीजिएगा, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। लास्ट राशि पे आ गए हम लोग, मीन राशि। थोड़े नेगेटिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं और नेगेटिविटी कुछ ऐसी है कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रही कि किस बात को लेकर आप नेगेटिव हो रहे हैं। और वो नेगेटिविटी जो होगी वो घर की नहीं होगी, वो किसी व्यक्ति विशेष, बाहर के व्यक्ति विशेष, किसी और के पचड़े में आप नेगेटिव सोच रहे होंगे। इसलिए अपने मन को थोड़ा कंट्रोल कीजिए, अपने काम से काम रखिए, ज़्यादा किसी के पचड़ों में मत पड़िए, नहीं तो पारिवारिक दृष्टिकोण से दिन जो होगा वो कहीं ना कहीं किसी थर्ड पर्सन की वजह से दिन थोड़ा सा इफेक्ट होता हुआ दिखाई देगा, जो कि होना नहीं चाहिए। तो यही सलाह है कल के लिए कि अपने काम से काम रखिए, अपने परिवार पर फोकस रखिए, अपने लोगों पर फोकस रखिए, फालतू के बाहर के लोगों के फोकस के ऊपर ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा, दिन आपके लिए ठीक ठाक गुजरेगा फिर। तो दोस्तों ये हुआ एक छोटा सा अवलोकन जो मैंने आपको दिया। भटनागर अभी 24/11@gmail.com, 9411845 9999638253 पे हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। प्लीज़ कॉल मत कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा, सिर्फ व्हाट्सएप कीजिएगा, जिससे हम आपके आंसर दे पाएँ। आज के लिए सिर्फ इतना ही, साप्ताहिक राशिफल शाम को अपलोड कर दूंगा आपको, आप देख लीजिएगा। देखने के लिए धन्यवाद।